आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी तैयारी खराब हो। आप जाके बैठे। कहाँ चीजें? अस्सलाम वालेकुम आंटी। आओ आओ नेहा बेटा, आपको सब नीचे बुला रहे हैं। हाँ मैं बस आ रही हूँ नीचे। चलो बेटा मेरी जान, अब तुम भी उठ के फ्रेश होके नीचे आ जाओ। हाँ मैं चलू नीचे। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे सड़क छाप आशिकों की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। इतनी जल्दी हथियार डाल दिया तुमने? ये स्टाइल तो नहीं था तुम्हारा। सिर्फ एक बात बताओ, तुम उस सारिम से मोहब्बत करती हो? No, never. पर उससे शादी क्यों कर रही हो? बा को अच्छा लगता है इसलिए। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? कोई भी नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे। सब मुझे बुला रहे हैं, तुम आ जाना। देखो सुल्तान, सारी बातें छोड़ो, बस ये चेक करो कि क्या शानदार तरबियत की है मैंने अपनी बच्ची की। अरे भाई वो तो पूरे घर की तरबियत करने पे तुली हुई है। ओ भाई क्या हर्ज है, अगर सरमद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है कम से कम उसके पास एक प्रॉपर डिग्री तो होगी। मेरी वजह से एक छोड़ 36 डिग्रियां ले, लेकिन मुझे क्यों जबरदस्ती जंजीरों से बांध रहे हैं रेस्टोरेंट में बिठा के? ताकि तुम्हें पता चले कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। तुमने तो सारी उम्र बैठे शर्तें लगाई हैं। शर्तें लड़ाने में भी दिमाग लड़ाना पड़ता है, ये समझाओ माँ को। भाई मेरी तरफ से माजरत, अगर तुम्हें हिम्मत और हौसला है कि इनकार कर सकते हो अपनी बहू को तो सौ बिस्मिल्लाह। यही तो इमोशनल ब्लैकमेल हो रही है भाई। लाए अब्बा पूरे 50,000 रुपए निकाले। सुल्तान अंकल ने प्रॉमिस किया कि अगले हफ्ते से वो रेस्टोरेंट जाएंगे। नहीं 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 नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। सुल्तान अंकल ने कहा है कि वो अगले हफ्ते से रेस्टोरेंट में बैठेंगे खुद। अरे 50,000 क्या, 1,00,000 ले लेना, लेकिन उस वक्त जब रेस्टोरेंट में सुल्तान अकेले पूरा हफ्ता लगे। डन। लेकिन अंकल लेके लेकिन कुछ नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। अभी सुल्तान तो फिर मंजूर है, देख लो तुम्हारी बहू की इज्जत का सवाल है। करते हैं करते हैं, करते वरते नहीं है, करना पड़ेगा भाई। खाना लग गया, आप लोग आ जाएं टेबल पर। तो ये शर्त लगाना कितनी घटिया चीज है यार, हट गया हूँ मैं तो। आप ना चलो, तो भूख ही मर गई, बेरोजगारी है, ऊपर से भूख भी नहीं है, काम करना पड़ेगा कमाने के लिए।